हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं जो टॉपिक आप लोगों के लिए ढूंढ कर लेकर आता हूं, उस पर शायद ही किसी का ध्यान जाता होगा। लगभग आप लोग मेरी 3 वीडियो से देख रहे होंगे कि मैंने आपको फ्यूल इंजेक्टर और फ्यूल पंप के मैंने आपको प्राइस बताए हैं, जिससे आप लोग घर बैठे ही ये जान सकें कि अगर आप BS6 बाइक खरीदेंगे तो अगर आगे चलकर उस बाइक में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि फ्यूल पंप या इंजेक्टर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आपके कितने पैसे लगेंगे। साथ में आप लोगों के मन से ये डर निकल सके कि आप अगर BS6 बाइक खरीदेंगे तो बहुत महंगा खर्चा होगा, आप बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा वैसा कुछ अगर आप मन में सोचे होंगे, तो मेरी इस वीडियो से आप लोगों के मन का डर बिल्कुल निकल जाएगा। दोस्तों, अभी तक मैंने आपको हीरो स्प्लेंडर प्लस BS6, HF डीलक्स BS6 और TVS अपाचे RTR 2B BS6 के फ्यूल पंप और फ्यूल इंजेक्टर का मैंने आपको प्राइस बताया, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में बजाज पल्सर 150, चाहे आप ड्यूल डिस्क समझे, चाहे आप स्टैंडर्ड मॉडल समझे, चाहे आप नियोन समझे, उसके फ्यूल पंप और इंजेक्टर का मैं आपको प्राइस बताऊंगा, जिससे आप लोग घर बैठे ही ये जानकारी कर पाए। दोस्तों, अब जब मैं आप लोगों के लिए इतने बेहतर टॉपिक ढूंढ कर लाता हूं, तो भाई एक लाइक तो बनता है। प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और भी लोग जान सकें इस वीडियो को, इस प्राइस को जो मैं बताने जा रहा हूं, जिससे बहुत से लोग जानकारी कर पाए। दोस्तों, और अगर आप नए हैं हमारे इस बाइक पॉइंट चैनल पर, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, क्योंकि हम बाइक और स्कूटर संबंधित जानकारी लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, तो अभी तक मैंने आपको जैसे स्प्लेंडर प्लस की, HF डीलक्स और अपाचे के जो मैंने प्राइस बताए थे, उसमें फ्यूल इंजेक्टर का लगभग प्राइस था 1400 रुपए। दोस्तों, और अगर फ्यूल पंप की बात करें तो लगभग 3000 या 3500 रुपए ही ज्यादा से ज्यादा प्राइस था, तो आपको लगभग 5000 रुपए में ही दोनों चीजें मिल जाती थी। और अगर आप कार्बोरेटर देखते, जैसे कि 100 cc बाइक का, तो लगभग 1800-2000-2500 ऐसे ही आपको कार्बोरेटर पड़ता था। लेकिन दोस्तों, बजाज कंपनी का और भी कम कीमत में आपको इंजेक्टर और पंप मिलेगा। इसके बारे में सुनने के बाद आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे। तो मैंने मोबाइल में फोटो खींच रखी है, जो मैंने जैसे वहां से प्राइस पूछने के बाद लिखकर मैं लेकर आया था। तो पल्सर के फ्यूल इंजेक्टर की प्राइस है मात्र 976 रुपए, मतलब 24 रुपए कम 1000 रुपए। 976 रुपए फ्यूल इंजेक्टर की प्राइस है, जबकि और कंपनियों की 1400 रुपए। दोस्तों, तो यहां पर कुछ अंतर आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप फ्यूल पंप खरीदेंगे तो 3026 रुपए इसके फ्यूल पंप की प्राइस है, तो लगभग आप मान के चलें 4000 कुछ रुपए, 2-4 रुपए ही आपको पड़ने वाले हैं। इतने में ही आपको फ्यूल पंप या इंजेक्टर मिल जाएगा। अगर आप कार्बोरेटर से इसकी तुलना करते हैं दोस्तों, तो बहुत ज्यादा 1000 रुपए महंगा पड़ेगा या 1500 रुपए आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा, बस इससे ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। लेकिन फायदा आपका ये होगा कि आपकी बाइक BS4 बाइक कार्बोरेटर मॉडल से ज्यादा स्मूथ चलेगी, ज्यादा अच्छा पिकअप मिलेगा और 10% आपको ज्यादा माइलेज मिलेगी। तो आपको अब डरने की कोई जरूरत नहीं, आप चाहे तो BS6 फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक खरीद सकते हैं, जिससे आपका फायदा भी हो। और एक फायदा मैं आपको और बताना चाहूंगा, जैसे आपने कार्बोरेटर वाली बाइकों में देखा होगा कि उनके मीटर में रेड निशान और ग्रीन और येलो ऐसे बना रहता है, मतलब अगर आप हरे में चलेंगे, हरे निशान तक चलेंगे, तो आपकी बाइक माइलेज देगी, और अगर नहीं चलेंगे तो आपकी बाइक माइलेज नहीं देगी। लेकिन मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं कि अगर फ्यूल इंजेक्शन वाली बाइक रहती है, तो जैसे आपको बताया गया है कि आपको 50 चलना है तो आपको माइलेज मिलेगी, तो आप 55, 60, 65 चले जाएंगे तो भी माइलेज आपकी थोड़ी बहुत स्थिर रहेगी, क्योंकि इसमें 8 सेंसर या 7 सेंसर, किसी किसी में 14 सेंसर लगाए रहते हैं, जिससे आपकी माइलेज स्थिर बनी रहती है। आप कार्बोरेटर में क्या था कि आपने खोल दिया तो बाइक को पता चल जाता कि मेरे मालिक को अब बहुत ज्यादा पिकअप की जरूरत है, तो पेट्रोल फेंक देती थी, कार्बोरेटर से पेट्रोल चला जाता था, चाहे वो जले या ना जले। तो इसमें आपको सेंसर पे आधारित सारी चीजें मिलेंगी, जिससे आपकी बाइक अच्छी तरीके से चल सके। तो अब आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप BS6 बाइक बिल्कुल अच्छी तरीके से खरीद सकते हैं। मेरी इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है, क्योंकि जब से BS6 बाइकें आई हैं, तब से भाई खरीदोगे तो बर्बाद हो जाओगे, बहुत पैसे लग जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मैंने सोचा इस पर आपके लिए एक वीडियो बनाता हूं। हाँ, मुझे प्राइस पता करने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि अभी सभी बाइकों के पार्ट अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की भाई लाइक और शेयर और सब्सक्राइब तो इस वीडियो के लिए बनता है। दोस्तों, अब मैं आपको अगली वीडियो में, जब मैं जल्दी पता करूंगा, तो आपको होंडा की बाइकों के और भी टीवी जो भी बाइकें बच रही हैं, जिनके मुझे पता चलते जाएंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा। बस जब मैं आपको बताता जाऊंगा, तो प्लीज आप लाइक जरूर करते हुए जाना। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगा हो कि मैंने आपके लिए काम की कोई जानकारी दी है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे बाइक पॉइंट बाय मेंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।